नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की पीसी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी आशीष चौधरी ने कृषि विभाग में हुए घोटाले को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कृषि योजनाओं के नाम पर 122 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम पर अधिकारियों ने 122 करोड़ का घोटाला किया है, किसानों के हक का पैसा मारकर अधिकारियों ने डकार लिया। 4 दिन पहले सीएम समेत केंद्रीय मंत्री और कृषि अधिकारियों से शिकायत की है। उच्च स्तरीय जांच कराने की किसान ने मांग की है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल के प्रदेश प्रभारी ने विभूति खंड में प्रेस वार्ता की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला, किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की ये वार्ता जो है ये कृषि विभाग के घोटाले से संबंधित है, जो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 सरकार ने कई योजनाएं किसानों लेकर चलाई जिससे किसानों का जीवन बेहतर हो सके। अनुदान की योजनाएं और किसान सम्मान निधि, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल सके। इटावा में मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में समाजवादी महिला सभा की सैकड़ों पदाधिकारियों ने एकजुट होकर ईदगाह चौराहे से शास्त्री चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनीता यादव और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज का ये कैंडल मार्च समाजवादी पार्टी की महिला सभा द्वारा निकाला गया है। आप लोग देख रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, लगभग पिछले 80-81 दिन से बहुत बुरी स्थिति है और जो वहाँ की तस्वीरें सामने आई हैं, वो मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। आप लोगों ने जो देखे होंगे, जो वीडियो आए हैं, हालांकि वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अभी और भी वीडियो आएंगे, ऐसा सुना गया, बहुत घटनाएं हुई हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, उसके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी रोज मन की बात करते हैं, हम लोगों को 9 साल हो गए उनकी मन की बात सुनते सुनते, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आज मन की बात क्यों नहीं की गई। ये जो घटना घटित हुई उस पर मन की बात क्यों नहीं हुई? टिकैत नगर बाराबंकी आगामी त्योहार के मद्देनजर रहते हुए एडिशनल एसपी दक्षिण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह और कोतवाल अंगद प्रभात सिंह ने कोतवाली टिकैत नगर में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में बताया कि आगामी त्योहार के मद्देनजर पैदल मार्च की गई है, जिसमें बताया गया है कि मुहर्रम जुलूस में काफी पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग के साथ किया जाएगा। और कोतवाल अंगद प्रताप सिंह ने बताया कि मुहर्रम का त्यौहार और भाईचारे का त्यौहार है, इसे सभी लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण मनाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के त्यौहार में अगर कोई हुड़दंग करके माहौल खराब करने पर, अफवाह फैलाने पर, असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। त्यौहार में नई तरीके से कुछ भी नहीं होगा, अगर अलग बदलाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए रास्ते पर ताजिया का जुलूस नहीं निकलेगा, जो निकालेगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आज कोतवाली टिकायत नगर क्षेत्र में पैदल मार्च की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, पेट्रोलिंग लगातार पुलिस विभाग के निर्देशानुसार की जा रही है। प्रमुख स्थानों पर, मार्केट में, इन जगहों पर प्रत्येक चौकी क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में प्रतिदिन किया जाता है। शिकायत नगर थाना क्षेत्र रोज किया जाता है, उसी क्रम में आज मैं भी यहाँ पर सम्मिलित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास की भावना जगाना। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे सो रहे असहाय गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। शराब के नशे में धुत रही ज्यादों ने करीब आधा दर्जन लोगों पर कार चढ़ाकर कुचला है। तेज रफ्तार कार सवार चालक कुचलता हुआ मौके से फरार हो गया। कार चढ़ने से सभी को गंभीर चोटें आई हैं। सभी गरीब असहाय स्टेशन परिसर में सो रहे थे। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। घायलों में से कई की हालत गंभीर है। श्यामोती शराबियों का रेलवे स्टेशन परिसर में जमावड़ा लगता है। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस शराबियों पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार कार चालक ने फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत कार सवार था, फिलहाल मौके से फरार है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि रोज इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती है, यहाँ पर चाहे वो RPF हो या GRP हो, तमाम पुलिस जो है वो शराबियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया। भैया यहाँ गाड़ी चढ़ा के भाग गया एक व्यक्ति, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी बहुत देर से, हमारे ऊपर सबके ऊपर गाड़ी चढ़ाया, एक लड़के को खींचा नीचे से, और हमारी बुआ के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी पैर के ऊपर। कितने लोगों के ऊपर चढ़ा दी उसने? कम से कम 4-5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है उसने। पकड़ नहीं पाए आप? नहीं पकड़ नहीं पाए, पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा बहुत हूँ भैया, आया नहीं। हाँ, 4-व्हीलर से था, मोटरसाइकिल था? नहीं मोटरसाइकिल, कार थी 4 पहिया वाली। रोक नहीं पाए? नहीं रोक नहीं पाए भैया, एकदम से तेज भागा बहुत। तो आप लोग स्टेशन पर क्या कर रहे थे? यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में झांसी ब्लॉक बांगरा के गांव भकोरा में शाल किसान पंचायत हुई। पंचायत में प्रमुख रूप से झांसी खुजराव हाईवे ग्राम भकोरा के पास जो PNC कंपनी ने हाईवे रोड बनाया है, उसके किनारे नाली न बनाने के कारण किसानों की कृषि योग्य भूमि में पानी का भराव हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। ग्राम भकोरा में लगभग 500 छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। गाँव में गौशाला न होने से आवारा जानवर किसानों के खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं या हाईवे पर विचरण कर रहे हैं। इधर किसान की फसलें बर्बाद हो रही है, उधर हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, राजकीय जान गंवा रहे हैं। किसानों ने पंचायत में अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि इस जमाने में खेती किसानी घाटे का सौदा साबित हो रही है। हमारी जमीन है हाईवे रोड के किनारे, जो बकोरा की पुलिया से काशीराम के खेत तक जो रोड बना है, वहां पर PNC कंपनी ने अपनी तक नाली नहीं बनाई है, जिसकी वजह से रोड का पानी खेतों में घुस रहा है, जिसकी वजह से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं, साथ ही साथ छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से फसलें वो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और कई बार इन छुट्टा जानवर की वजह से रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। आज यहां पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले पंचायत हुई है, जब सबसे बड़ा यहां का ज्वलंत मुद्दा है अन्ना जानवर। यहां पर लगभग 500 छुट्टा जानवर हैं जो रात दिन किसानों के खेतों में घुसकर उनकी खरीफ की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ कई बार प्रयास किया गया, कई बार पंचायत हुई, लेकिन ब्लॉक के और विकास खंड के अधिकारियों के कान। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पेड़ से टकराकर लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। मोहलिया शिवपाड़ निवासी अरुण कुमार गुप्ता, गोलू गुप्ता और राज सिंह की मौत हुई है। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के हरदोई शाहजापुर रोड पर देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हरदोई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण हादसा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ से टकराने की वजह से इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मोहलिया शिवापाड़ निवासी 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। कोतवाली देहात क्षेत्र के हरदोई शाहजापुर रोड पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। भाजपा नेता और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देना समेत कई गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया। अध्यक्ष की जमीन और कंपनी द्वारा जमीन की खरीद के दौरान फर्जी चेक दिया गया था, जिससे चेक बाउंस हो गया, तो पीड़ित ने कई बार अपने पैसे मांगे। पैसे देने की जगह पीड़ित को भाजपा नेता लगातार डराता धमकाता रहा, फर्जी मुकदमा भी धमकी देता रहा कि फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। कोर्ट के आदेश पर बाराबंकी के कोतवाली नगर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष समेत 5 पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। भाजपा नेता की कंपनी SSC ग्रुप के 5 सहयोगियों पर केस दर्ज हुआ। बलरामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं भाजपा नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। थाना कोतवाली बाराबंकी में मुकदमा अपराध संख्या 700/23 फोर्जरी के मामले में कायम हुआ है, न्यायालय के आदेश से 156(3) के तहत, जिसमें श्री राम मौर्य, भानु मौर्य, ब्रह्मानंद और उनके जो भाई हैं सुजीत, जो मुआई देवा के रहने वाले हैं, इन 9 से 4 बीघे जमीन फर्जी चेक दे करके
अपने नाम उसका अंतरण करा लेने विषय। वही सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। हादसे के बाद डीसीएम चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। टायर फटने से डीसीएम अनियंत्रित हो गई थी। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के पास सबवे के सामने का बताया जा रहा है। सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक डीसीएम ने सड़क पर खड़े कुछ लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि टायर फटने से डीसीएम अनियंत्रित हो गई थी। फिलहाल डीसीएम का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार है। गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पिपराइच के सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित मोटे शिव मंदिर पर सावन के तीसरे सोमवार के शुभ मौके पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी कड़ी मशक्कत करते नजर आए। पुलिस सुरक्षाकर्मी चौकसी बनाए रहे, ताकि कहीं किसी अराजक तत्वों द्वारा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। ये त्यौहार शासन प्रशासन की निगरानी में सकुशल संपन्न कर लिया गया। मोटे शिव मंदिर के बारे में मंदिर के पुजारी संतोष गिरे ने बताया कि मोटे शिव मंदिर की स्थापना सन 1800 में हुई थी। उससे पहले यहाँ पर पीपल का एक छोटा सा पौधा था, जहाँ से यहाँ पर शिवलिंग भी मिला और उसके बाद मंदिर की स्थापना कर शिव भक्त पूजा पाठ करने लगे। और आज भोलेनाथ का शिवलिंग इतना भव्य हो गया है कि मंदिर के महंत का मानना है कि मोटे शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। बरेली के बनखड़ीनाथ मंदिर के पास सुबह कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थरबाजी की गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ संप्रदाय विशेष शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन देकर मोर्चा संभाला। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन वहीं शाम के समय सुरेश शर्मा चौराहे के पास बड़ी मात्रा में कांवड़ियों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद उन्होंने रोड पर जाम लगाना शुरू कर दिया। वहीं रोड पर बैठ गए तो कई गाड़ियों को रोक कर जाम लगा रहे थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और सतर्कता से वहां परिवहन को सुचारू रूप से शुरू किया गया। इस दौरान बरेली सीओ 2-3-4 थानों के थाना प्रभारी, एसपी सिटी, एसपी देहात, एसएसपी जिलाधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा मोर्चे को बखूबी मुस्तैदी के साथ संभाल लिया गया। कांवड़ के जत्थे यहाँ पर चौराहे से गुजर रहे थे, उनको देखा गया कि उनको थोड़ा और भी जो है किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बहुत जोर से बुला करके और उनको सामान्य रास्ते से भेजा जा रहा है, जिससे किसी प्रकार कोई असुविधा ना हो, उनको पूरी सुरक्षा और पूरे रास्ते की व्यवस्था की गई है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सब कुछ। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और 10 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। कटरी धर्मपुर गांव में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के कैमरे में एक्सक्लूसिव बाढ़ के पानी में गिरते मकान की तस्वीरें कैद हुई हैं, वो भी आपके सामने हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। नरारा बांध से 1,20,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। तहसील सदर क्षेत्र के 3 दर्जन गाँव वार्ड से प्रभावित, हाहाकार मचा हुआ है। निजी नावों का सहारा लेकर गांव से आवागमन ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क के किनारे झोपड़ी और पन्नी डालकर ग्रामीण रहने के लिए मजबूर हैं। जिले का कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि बाढ़ग्रस्त इलाकों में नहीं पहुंचा। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। रोड पर ट्रैक्टर का सहारा लेकर राहगीर निकल रहे हैं। बाढ़ के रौद्र रूप से जिले में तबाही है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के तहसील सदर क्षेत्र में 3 दर्जन गाँव में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। श्रावस्ती में शिवालयों पर शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ गया है। जिले के सभी शिवालयों पर शिव भक्त जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बोलबम के जयकारों से शिवालय गूंज रहा है। लाइन में भक्त लगकर इंतजार कर रहे हैं अपने जलाभिषेक का। सुरक्षा व्यवस्था में भी भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से हर ओर नजर रखी जा रही है।
अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बस की भिड़ंत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं प्रशासन और पांच ग्रामीणों को पीछे से आ रही बस ने रौंद दिया है। पांच में से चार की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीण और कार सवार सहित आठ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। थाना तप्पल इलाके के एक्सप्रेस वे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यूपी कांग्रेस का संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव के रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं संग चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में श्रावस्ती में संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष कौरा पहुंचे हैं और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विशाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र नकुल दुबे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में आगे रणनीति तैयार की जाएगी। सैकड़ों साल पुराने मुहर्रम के जुलूस निकालने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। कानपुर के सदर के अक्षय मियां और कफिल कुरैशी ने माननीय न्यायालय का फैसला मानते हुए पैगियों का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है, लेकिन कुछ लोग जुलूस निकालने पर आमदा है, जिसको लेकर तंजीम अलपैक कसीद हुसैन की तरफ से जिला प्रशासन से अपील की गई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके समय रहते कार्रवाई करें, जिससे शहर में अमन चैन और शांति व्यवस्था बरकरार रहे। तंजीम अलपैक कसीदी हुसैन के वाइस प्रेसिडेंट कफिल कुरैशी और सदर अध्यक्ष मियां ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान कहा कि कुछ अराजक तत्व अफवाह फैलाकर शहर में अमनो चैन को खराब करने की साजिश रच रही है। उन्होंने बताया कि साजिश रचने वाले नदीम के खिलाफ कोतवाली मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके बावजूद वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। तंजीम अलबैक कसीदे हुसैन के खलीफाओं ने ऐलान किया है कि माननीय न्यायालय का अगर जुलूस निकालने का आदेश अब भी जाता है तब भी इस साल जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल 12 साल के बच्चों के कमर बंधाई की रस्म होगी। बात सलाम की यह है कि इस साल मुहर्रम में हम लोग जो मुहर्रम की तैयारी करना चाह रहे थे, शुरू करने से पहले क्या हुआ कि एक तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में दाखिल हुआ जो कोर्ट से ऑर्डर दिखा रहा है, जो जिसका नाम है मोहम्मद नदीम। वो मेरे खिलाफ आदेश लाया था। जब मुझे मालूम हुआ मैंने कोर्ट में अपील की। अपील करने के बाद वो मुकदमा कोर्ट पे मेरा चल रहा है और चलने के बावजूद इस साल तंजीम अल पैक व निशाने पैक। मणिपुर में हो रही हिंसा से एक तरफ जहां पूरे देश में उबाल है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों में भी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियां लगातार मणिपुर हिंसा का विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला की अध्यक्षता में कानपुर के घंटाघर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि मणिपुर में जिस तरह से माताओं और बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मणिपुर की सरकार बर्खास्त नहीं होगी, तब तक आम आदमी पार्टी यूं ही विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। कि आप सबको ज्ञात है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें महिलाओं के सम्मान को तार तार किया जा चुका है। केंद्र की सरकार मूक दर्शक बनी हुई बैठी हुई है। वो केवल सत्ता में काबिज रहना चाहती है। महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए आम आदमी फर्रुखाबाद में सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भक्तों की जलाभिषेक करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पांडेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने भक्त पहुंच रहे हैं। शिवालय के बाहर भक्तों की हजारों की संख्या में लाइनें लगी हुई हैं। जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त नजर आ रहे हैं। शहर के प्राचीन 500 साल पुराने पांडेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पांचाल घाट गंगा नदी से जल भरकर लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं मुंडेश्वर नाथ मंदिर। मंदिर के बाहर पुलिस के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। मंदिर के बाहर मंदिर के अंदर पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है और सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार अराजक तत्वों पर निगरानी बनी हुई है। अधिक मास का सोमवार है। अधिक मास भगवान हरि को बहुत प्रिय है, विष्णु भगवान बहुत प्रिय है और विष्णु भगवान की पूजा पूजा हो रही है लगातार प्रातः काल 4 बजे से। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।